हेलो स्टूडेंट स्वागत है आप सभी का यदि आप इस वीडियो पर क्लिक किए हैं तो इसका मतलब ये है कि आप इस वीडियो में कुछ सीखना चाहते हैं अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको हम इस वीडियो में सिखाएंगे कि समांतर श्रेणी में एपी किस तरीके से निकाला जाता है इसके बारे में आज हम लोग पूरी तरीके से बात करेंगे अगर आप हमारे चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर नहीं गए हैं तो वहाँ पे जल्दी जाइए आपको वहाँ पर एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा और उस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए आपको जो है एग्जाम तक फ्री में पीडीएफ नोट्स दी जाएगी ठीक है आपको ऑल सब्जेक्ट की पीडीएफ नोट्स दी जाती है तो आप जल्दी से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए तो चलिए हम लोग प्रश्न को पढ़ लेते हैं पढ़ने के बाद फिर हम इसको सिस्टमेटिक तरीके से सोल्व करेंगे तो यहाँ क्या बोल रहा है वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद पांच और सातवां पद नो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहेंगे और आपको एपी फाइंड आउट करके बताना है तो देखिए हमको एपी ज्ञात करना है पे क्या ज्ञात करने बोलता है एपी और जिसका तीसरा पद कितना दिया है पांच तो हम लिख लेते हैं ए थ्री बराबर फाइव उसके बाद सातवा पद कितना दिया है नौ तो ए सेवन बराबर नौ तो देखिए ए थ्री का एक फार्मूला होता है ए प्लस में टू डी इक्वल में फाइव समीकरण एक का नाम दे देंगे और ए सेवन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस में सिक्स डी डीवल में नौ देखिए इसको समीकरण दो का नाम दे सकते हैं अब समीकरण एक और समीकरण दो को हम एक जगह एकत्रित कर लेते हैं समीकरण एक व दो से समीकरण एक हमारा क्या है ए प्लस टू डी बराबर फाइव समीकरण एक है हमारा समीकरण दो क्या है ए प्लस में सिक्स डी बराबर में नाइन समीकरण दो अब देखिए हम आपको सिंपल तरीका बताते हैं विलोपन या प्रतिस्थापन कोई भी विधि से आप सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आपको सेम मिलेगा तो यहाँ देखिए प्लस है तो घटाने पर हो जाएगा तो यहाँ हम लिख सकते हैं घटाने पर ठीक घटाने पर यहाँ प्लस है या माइनस है घटाएंगे तो कितना माइनस का फोर और यहाँ घटाएंगे तो माइनस का फोर या माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा अब देखिए गुना वाली संख्या कहा पहुंचती है भाग में लेकिन माइनस से माइनस दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएगा तो डी ये गुना में है तो गुना वाली संख्या हमेशा भाग में पहुंचती है चार बटे चार का मतलब एक तो डी का मान आपको एक मिल गया आपको ज्ञात क्या करना है एक का मान भी ज्ञात करना है तो डी का मान कहीं पर रखिए आपको एक का मान मिल जाएगा तो देखिए हम यहां लिख लेते हैं डी का मान समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक हमारी क्या है यहाँ है ए प्लस में टू डी बराबर में फाइव ए का मान कितना है नहीं है ये हमें फाइंड आउट करना प्लस टू गुना डी का मान कितना है वन और इक्वल में फाइव यहाँ इम्प्लाजेट का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वल का चिन्ह है अगर हिसाब के आगे इक्वल का चिन्ह हो तो हम इम्प्लाजेट का इस्तेमाल करते हैं तो ए को रखेंगे टू को वन से गुना करेंगे क्योंकि ब्रेकेट के अंदर गुना से पावर आता है तो गुना करना पड़ेगा टू को वन से गुना करेंगे तो प्लस का टू इक्वल में फाइव तो ए को रखेंगे पी प्लस का का इस तरफ आएगा तो तो माइनस अब हमें एपी ज्ञात करना है ना तो ए पी लिख लेते हैं देखिए एक का मान कितना मिला तीन तीन में से एक जोड़ दीजिए चार फिर चार में से एक जोड़ दीजिए पांच फिर पांच में से एक जोड़ दीजिए छह इस तरीके से ढेर सारा निकाल सकते हैं और यही हमें ज्ञात करना था ये आप देख सकते हैं वो ए निर्धारित कीजिए तो हमने यहाँ पर ए निर्धारित कर लिया है अगर आपको इस क्वेश्चन को समझने में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट कीजिए बेहचव इसका हम जवाब देने का प्रयास करेंगे ओके मिलते हैं नए वीडियो में टोपी के साथ तब तक के लिए हंसते रहे मुस्कुराते रहे थैंक यू